नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं काफ़ी सिंपल टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्योरीफाइड वाटर एंड डीमिनरलाइज वाटर। दोनों में डिफरेंस को जानते हैं, हम पहले डीमिनरलाइज वाटर को देख लेते हैं। डीमिनरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द रॉ वाटर। रॉ वाटर से सभी तरह के मिनरल्स को रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीमिनरलाइजेशन। ऑल द मिनरल्स responsible for the hardness of water also are removed during the demineralization process. तो जितने भी minerals होते हैं जो कि water को hardness के लिए responsible होते हैं, उनको demineralization के process के through क्या remove किया जाता है उन minerals को, और water को salt water बनाया जाता है। An ion exchanger containing anion exchange resins remove minerals with a positive charge. जो anion exchanger होता है वो क्या है, एनायन एक्सचेंज रेजिन को कंटेन करता है, और जिन मिनरल्स में पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर जो पॉजिटिव चार्ज मिनरल्स होते हैं उनको रिमूव करता है। एंड कैटायन एक्सचेंजर कंटेनिंग कैटायन एक्सचेंज रेजिन रिमूव मिनरल्स विद अ नेगेटिव चार्ज। और जो नेगेटिव चार्ज मिनरल्स होते हैं उनको कैटायन एक्सचेंजर रेजिन रिमूव करता है कैटायन एक्सचेंजर के थ्रू, क्योंकि वो क्या है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन कंटेन करता है। तो कैटायन और एनायन एक्सचेंज रेजिन के थ्रू हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिनरल्स को रिमूव कर देते हैं। हेंस ऑल द डिसॉल्व सॉल्ट्स आर रिमूव्ड बाय द आयन एक्सचेंज रेजिन्स। तो आयन एक्सचेंज रेजिन्स के थ्रू हम जितने भी डिसॉल्व सॉल्ट्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं। दीज मिनरल्स आर अटैच्ड विद रेजिन एंड गेट रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर। और मिनरल्स होते हैं ये रेजिन के साथ अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद वाटर से रिमूव हो जाते हैं। दिस वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वाटर बिकॉज ऑल द हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय द डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। और जब हम सारे मिनरल्स वगैरह को सारों को हम रिमूव कर देते हैं, तो उसके बाद क्या जो वाटर बनता है डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। जनरली सॉफ्ट वाटर इज यूज इन बॉयलर्स टू प्रोड्यूस द स्टीम बिकॉज सॉल्ट वाटर डज नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ स्केलिंग इन द बॉयलर्स। सॉल्ट वाटर इज ऑल्सो यूज टू फीड प्योरीफाइड वाटर प्लांट। जनरली सॉल्ट वाटर को हम बॉयलर्स में यूज करते हैं जो कि स्टीम फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट या उस स्टीम फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। बहुत से फार्मास्यूटिकल प्लांट में प्योर स्टीम यूज होती है, तो क्या हम लोग डीमिनरलाइज वाटर को यूज करते हैं, या जिसे कि हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। अब सॉफ्ट वाटर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें क्या है, स्केलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती बॉयलर में। स्केलिंग क्या है, जो कि हमारा बॉयलर होता है उसमें क्या डिपोजिशन हो जाता है मिनरल्स वगैरह का, तो जब मिनरल्स हो गए नहीं तो फिर वो डिपोजिशन भी नहीं होंगे, तो क्या स्केलिंग की हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सॉफ्ट वाटर को हम क्या प्योरीफाइड वाटर में भी यूज करते हैं। अब बात करते हैं प्योरीफाइड वाटर की। प्योरीफाइड वाटर इज हाईली प्योर वाटर देन डीमिनरलाइज्ड वाटर एंड प्रोड्यूस यूजिंग डीएम वाटर। तो प्योरीफाइड वाटर के हाईली प्योर वाटर होता है एज कम्पेयर टू डीमिनरलाइज्ड वाटर के। और प्योरीफाइड वाटर को हम डीमिनरलाइज्ड वाटर को यूज करते हुए प्रोड्यूस करते हैं। टू प्रिपेयर द प्योरीफाइड वाटर सॉल्ट वाटर इज पास थ्रू रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन एंड अल्ट्रावायलेट लाइट। प्योरीफाइड वाटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट वाटर को रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन, जैसे दैट इज आरओ मेम्ब्रेन के थ्रू पास करते हैं, और अल्ट्रा वायलेट लाइट उसको एक्सपोज कराते हुए पास करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस रिमूव्स द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम द वाटर बाय पासिंग वाटर थ्रू इट्स मेम्ब्रेन। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है, जितनी भी सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो क्या है, रिमूव हो जाती हैं बाय पासिंग थ्रू इट्स आरओ मेम्ब्रेन। अल्ट्रावायलेट रेज रिमूव्स माइक्रोब्स फ्रॉम वाटर मेकिंग इट फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। और जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जब वाटर उससे एक्सपोज होते हुए फ्लो होता है, या हम वाटर को उसको यूवी लाइट से एक्सपोज कराते हैं, तो यूवी लाइट क्या है, जो भी माइक्रोब्स वगैरह होते हैं उनको किल कर देता है, और किलिंग माइक्रोब्स की किलिंग होने की वजह से क्या, जो वाटर रहता है हमारा वो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री रहता है। तो जो प्योरीफाइड वाटर होता है उसको डीमिनरलाइज्ड वाटर को यूज़ करते हुए
बनाते हैं और डीमिनरलाइज्ड वाटर जहाँ मिलता है उसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू, जिससे जितनी भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी वो रिमूव हो जाएंगी, और जब अल्ट्रावायलेट रेज से वाटर एक्सपोज होगा तो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री हो जाएगा। प्योरीफाइड वाटर इज यूज फॉर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड टू प्रोड्यूस वाटर फॉर इंजेक्शन। प्योरीफाइड वाटर क्या है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफ़ी यूज होता है, जैसे कि हम लोग टैबलेट कैप्सूल बनाते हैं उसके कंपोजिशन में या उसकी प्रोसेसिंग में हम लोग प्योरीफाइड वाटर को यूज़ करते हैं, या हम लोग सिरप वगैरह बना रहे हैं उसमें भी यूज़ होता है। और प्योरीफाइड वाटर वाटर फॉर इंजेक्शन WFI के लिए भी यूज़ होता है, तो WFI को बनाने के लिए भी क्या है, प्योरीफाइड वाटर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। प्योरीफाइड वाटर इज डिस्टिल्ड फ्रॉम मल्टी कॉलम डिस्टिलेशन प्लांट एंड कलेक्टेड बाय द कंडेंसेशन प्रोसेस। मल्टी कॉलम डिस्टिलेशन प्लांट के थ्रू प्योरीफाइड वाटर को डिस्टिल किया जाता है और कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। बात करें कंक्लूजन की, बोथ DM यानी कि डीमिनरलाइज वाटर एंड प्योरीफाइड वाटर हैव देयर ओन स्पेसिफिकेशन टू बी पास्ड फॉर देयर क्वालिटी। तो डीमिनरलाइज वाटर और प्योरीफाइड वाटर के अपने अलग स्पेसिफिकेशन है क्वालिटी को पास करने के लिए। डीमिनरलाइज वाटर शुड बी पास द हार्डनेस एंड pH टेस्ट ओनली। तो डीमिनरलाइज वाटर को हार्डनेस टेस्ट और pH टेस्ट जरूर पास होना चाहिए। वाइल प्योरीफाइड वाटर हैज़ वेरियस पैरामीटर, और जो प्योरीफाइड वाटर है उसके कई पैरामीटर होते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन, pH, कंडक्टिविटी, हार्डनेस, हैवी मेटल, आयरन, नाइट्रेट, सल्फेट, रेसिडी ऑन इवेपोरेशन, माइक्रोबियल लिमिटिंग टेस्ट एट्सेट्रा। और प्योरीफाइड वाटर के स्पेसिफिकेशन में जो जितने भी टेस्टिंग होती है उसके स्पेसिफिकेशन के लिए वो काफ़ी हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन वाटर कैसा है, अपीयरेंस कैसी है उसकी, pH कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, लो pH कैसा है, कंडक्टिविटी कितनी है, हार्डनेस उसमें कितनी है, हैवी मेटल्स कितने हैं, आयरन का लेवल कितना है, नाइट्रेट सल्फेट का लेवल कितना है, इवेपोरेशन करते हुए तो उसमें रेसिड्यू कितना रहता है, और माइक्रोबियल लिमिटेड टेस्ट जैसे कि इसमें यूवी लाइट से भी पास करते हैं तो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन कितना आ रहा है, क्या माइक्रोबियल कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, अगर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन भी ज़्यादा होगा तो क्या फार्मास्यूटिकल, तो जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो वाटर यूज़ हो रहा है वो भी क्या यूजलेस या कंटेमिनेशन के चांस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, जिससे कि वो वाटर यूजलेस हो जाएगा। तो DM वाटर और प्योरीफाइड वाटर के अपने अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह के वीडियोस के आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें तो बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।